ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप सभी के लिए 10 CBSE बच्चों के लिए क्विक रिवीजन स्टार्ट किया है, जिसमें मेरा आज का जो टॉपिक है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। टॉपिक है मेरा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। जनरली ये टॉपिक वैसे तो बहुत आसान है, पर बच्चों को इसमें जो दिक्कत आती है कि वो फिगर्स को और जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या बोल रहा है उसको नहीं समझ पाते हैं, जिस वजह से दिक्कत आती है। तो सारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। टॉपिक है मेरा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मैं इस टॉपिक पे 2 से 3 दिन लगातार क्लासेस लूँगा, पर जिसमें सबसे पहले आज मैं आपको इन जनरल ओनली फॉर्मूले के बारे में समझाऊंगा इस क्लासेस में। तो फॉर्मूले में आप जो फिगर यहाँ पर देखेंगे उसके छोटे छोटे पार्ट का क्या एरिया है, क्या वॉल्यूम है। वैसे वॉल्यूम जनरली पूरी शेप का आता है और एरिया छोटे छोटे पार्ट का आता है। और इस टॉपिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत है वॉल्यूम को कोई कैलकुलेट करता है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सरफेस एरिया में। तो आप समझोगे शेप को धीरे धीरे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली जो मेरी शेप है वो है क्यूबॉइड। कौन सी है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड सारे बच्चे जानते हैं, जैसे कि एक क्लासरूम जिसमें आप सभी बच्चे कहीं बैठ के पढ़ते हैं, तो उसकी जो क्लासरूम्स होते हैं या घर के रूम्स होते हैं वो इन जनरल क्यूबॉइड शेप में होते हैं। कौन सी शेप में होते हैं? क्यूबॉइड शेप में। क्यूबॉइड में जनरली सारे फेस होते हैं उसके जो रेक्टेंगल जैसे होते हैं। जैसे कि अगर मैंने आपको क्यूबॉइड समझाने को सबसे पहले समझाया है कि जैसे कोई क्लासरूम है, तो आप जैसे उसमें बैठे हुए हो, वहाँ पर उसके 4 walls 1 2 3 4, ठीक है। उसके साथ में नीचे का ग्राउंड और ऊपर की सीलिंग, तो टोटल जो मिलकर बनते हैं उसमें 6 फेस होते हैं। तो आप इन सारे फेसेस का, सिंगल फेस का अलग अलग करके सरफेस एरिया देखेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले इसमें 3 चीज़ें होती हैं। यहाँ पर होती है लेंथ इसकी, यहाँ पर इसकी ब्रेथ, और यहाँ पर होती है इसकी हाइट। जब भी किसी शेप में हाइट आ जाती है तो उसके अंदर वॉल्यूम आ जाता है। अगर किसी शेप के अंदर हाइट नहीं है तो इसका मतलब उसमें वॉल्यूम नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना कि वॉल्यूम निकाल रहे हो कहीं पे तो वहाँ पे उसमें हाइट होना ज़रूरी है, अदरवाइज क्या होगा, उसमें वॉल्यूम नहीं होगा। तो इसमें 6 फेस है। अब देखो, सारे बच्चों को रेक्टेंगल का एरिया आसानी से याद होगा। रेक्टेंगल का एरिया किसी भी बच्चे से अगर मैं पूछूं तो क्या होता है, सारे बच्चे लेंथ इंटू ब्रेथ। अब मैं इस शेप की बात करूँ तो ब्रेथ की तो भी है ही है, साथ ही साथ यहाँ पर क्या आ रही है, हाइट। तो इस शेप का एरिया कितना होगा? बी इंटू एच। कितना एरिया होगा इसका? बी इंटू एच। एल इंटू बी रेक्टेंगल का होता है, सेम शेप ये रही, एच ये वैसे आ रहा है, तो बी इंटू एच यहाँ पे हो गया। जैसे ही एरिया इस शेप का है वैसा ही एरिया होगा यहाँ का, इसका भी एरिया क्या होगा? बी इंटू एच, क्योंकि दोनों फेस एज इट इज सेम होते हैं। अब जैसा ही फेस सामने वाला है वैसा ही फेस उसका कौन सा होगा? पीछे का होगा। अब ये वाला है तो इसका होगा एल इंटू एच, और पीछे वाले का भी कितना होगा? एल इंटू एच। दोनों का क्या हो गया? एल इंटू एच इसका और एल एच इसका। अब इसमें 2 फेस बचे हुए, एक ग्राउंड बचा हुआ है, ऊपर से सीलिंग। अब देखो ग्राउंड में क्या है, लेंथ और ब्रेथ, तो इसका क्या होगा? एल इंटू बी, और इसका क्या होगा? एल इंटू बी। क्या होगा? एल इंटू बी। अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। मैं इन सब पे नाम रख रहा हूँ, इन फेसों पे, ठीक है। पहले मैं इसकी वॉल्स के ऊपर नाम रख रहा हूँ। तो ये वाला क्या है? 1। फिर दूसरी वॉल ये रही, मतलब ये दोनों कैसी है? सेम। 3 बाहर वाली, तो 4 अंदर वाले, ठीक है। 5 मैंने नीचे का लिया और 6 ऊपर का लिया। अगला समझना, इस तरह की जो शेप होती है उसे हम क्यूबॉइड बोलते हैं। अब इसमें मैंने ये अलग अलग लिखे हैं, ठीक है। अब हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसमें जो सबसे पहला सबसे ज़रूरी फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया, किसकी बात कर रहा है? लेटरल सरफेस एरिया की। तो सारे बच्चे अपने आप समझ जाएंगे लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है कि ना तो वो सीलिंग की बात कर रहा है ना ग्राउंड की। तो इसमें जो एरिया निकलेगा किसका निकलेगा? 1 + 2 + 3 + 4, मतलब 1 2 इन दोनों वॉल का एरिया, 1 + 2 + 3 + 4। कितने एरिया मैंने प्लस किए यहाँ पे? 4। अब देखो 1 2 का एरिया कितना है आपको? देखो मैं जनरली लेटरल सरफेस एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा सकता हूँ, पर आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से आनी चाहिए इसमें, क्योंकि कभी कभी इसमें क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस आया था। जैसे कि उसने एक विंडो दे दी आपको यहाँ पे, तो आप उसके बाकी का फेस का निकाल लोगे, पर इस वाले फेस का विंडो का माइनस करके इस फेस में से माइनस होगी। या ऐसे ही यहाँ पे कुछ और दे दिया स्पीयर वगैरह, तो बचे हुए रिमेनिंग पोर्शन का निकालना है। तो इन चीज़ों को आप इन जनरल ऐसे धीरे धीरे समझाएंगे, हर एक शेप में उसके पार्टिकुलर पार्ट्स का सरफेस एरिया क्या होता है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखें सारे बच्चे कि सबसे पहले इसका कितना था? एल इंटू बी,
फर्स्ट वाले का, सॉरी, एल इंटू एच बी इंटू एच प्लस बी इंटू एच, ये रहा। सेम ऐसे ही थ्री और फोर का एरिया सेम होगा, तो ये कितना हो जाएगा, एल इंटू एच प्लस एल इंटू एच, तो सेम है ट्वाइस इसका ट्वाइस इसका, तो टू बी एच प्लस एल एच, दोनों में से टू को हमने बाहर लिया, साथ में कुछ और भी बाहर आ रहा है, जैसे कि एच दोनों में कॉमन है तो अंदर रह जाएगा बी प्लस एल। हाँ, मैं एक बात बता दूंगा आपको कि इन जनरली आपको भले ही ये बचपन से लगता रहा होगा टॉपिक बहुत टिपिकल है, अगर आप मेरी क्लासेस लेने के बाद ये टॉपिक आपको बहुत ज़्यादा आसान लगेगा, कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, बस है ये कि आपको बिल्कुल एक पार्ट इसका क्लियरली खोल के पता होना चाहिए। अगर आपको किसी पार्ट में दिक्कत है और फिर आप कहो तो ये तो वही बात हो गई कि आप पे चैप्टर तो आ नहीं रहा, आप उसके क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो निकलेंगे कैसे भाई। पहले आपको उनके बेसिक्स पता होना चाहिए, इसलिए मैं आज की क्लास में ओनली फॉर्मूलों को डिस्कस कराऊंगा और सारे बच्चे ध्यान से एक एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। और अगर किसी बच्चे को कोई भी इंडिविजुअली इस तरह की दिक्कत आती है तो मेरे वहाँ पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दे, जिससे अगली क्लासेस में जब मैं उसे स्टार्ट करूँगा तो सबसे पहले मैं उसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये तो हो गया इसका लेटरल सर्फेस एरिया। अब मैं आपको एक बात बताऊँ लेटरल सर्फेस एरिया से, कि जो इसका लेटरल सर्फेस एरिया ये हो गया, टोटल सर्फेस एरिया क्या होता है, इसका सीलिंग का और इसका ग्राउंड का ऐड हो जाएगा। किसका होगा, सीलिंग का और ग्राउंड का ऐड हो जाएगा। तो इसका जो ऊपर का, इसे बोलते हैं हम टोटल सर्फेस एरिया। क्या बोलते हैं, टोटल सर्फेस एरिया। टोटल मतलब पूरे का सर्फेस एरिया निकालना है, तो पूरे का जो सर्फेस एरिया आएगा उसको समझेंगे क्या होगा। अब देखो मैं सारे फेस के कितना 1 2 3 4 5 6 जितने से नंबर डाले सबका ऐड हो जाएगा, तो एक साइड से ऐड करेंगे, यहां से ही मैं 5 वाले से ऐड कर रहा हूं, एल बी यहां से, तो क्या आएगा ये एल बी, ये रहा, और सेम ऊपर का तो ट्वाइस ऑफ एल बी, ऐसे ही बी एच, फिर क्या आएगा बी एच, तो ट्वाइस ऑफ बी एच कर दिया मैंने, क्या कर दिया ट्वाइस ऑफ बी एच। अब साथ ही साथ यहां पे एक और एरिया बचा हुआ है इसमें एल एच, तो ट्वाइस ऑफ एल एच, टू कॉमन ले लिया, उसके अलावा इसमें कुछ कॉमन आएगा नहीं, और सारे बच्चे इस वाले चैप्टर में एक चीज़ को जरूर अप्लाई करेंगे, जब भी वो कोई कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो उसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन वाले को आप बाहर रखोगे, उसके बाद उनको ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके लिए इसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब देखिए इसके बाद आता है इसका वॉल्यूम, क्या आ रहा है वॉल्यूम। अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया था वॉल्यूम क्या होता है, तो कोई भी सेप आपके में जनरली जो सेप आती है वो यूनिफॉर्म एरिया की आती हैं, वॉल्यूम के एरिया की आती हैं, स्पेयर को छोड़ के, स्पेयर में यूनिफॉर्म एरिया नहीं होता है। यूनिफॉर्म एरिया का मतलब होता है ऊपर से लेकर नीचे तक कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जैसे कि ये इसकी नीचे की प्लेटें ऐसी ऊपर तक सारी प्लेटें कैसे निकलेंगी सेम, तो उस केस में जो उसका बेस का एरिया होता है उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मैंने बताया कि कोई भी जिसका बेस सेम हो, तो जिसका यूनिफॉर्म बेस होता है तो उसमें हाइट से मल्टीप्लाई करते ही किसका एरिया वॉल्यूम आ जाता है, उस वाली शेप का वॉल्यूम आ जाता है। तो इसका नीचे का एरिया क्या है एल बी, यही तो होता है, और यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें हाइट से, हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका एरिया आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा एल बी एच। एक बात याद रखेंगे सारे बच्चे कि कोई भी बच्चा यूनिट लिखना नहीं भूलेगा, इसमें सबसे जरूरी मार्क्स कटते हैं यूनिट पर भी, अगर एग्जामिनर का मूड हुआ तो वो यूनिट पर भी काट लेगा। एल बी एच मतलब एल एस ए, सुनो भाई एल एस ए का मतलब क्या है, लेटरल सरफेस एरिया, और इसकी यूनिट हमेशा एरिया की होती है यूनिट स्क्वायर, और इसकी भी होगी यूनिट स्क्वायर, और इसकी क्या होगी यूनिट क्यूब, ये बात ध्यान रखना। अब दूसरी सबसे जरूरी बात कि यूनिट स्क्वायर यूनिट यूनिट क्यूब का क्या मतलब है, तो जैसे इन सारी साइड डायमेंशन से इसकी सेंटीमीटर में, तो हम एग्जांपल के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर बता रहा हूँ बस, यूनिट को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि जैसे सेंटीमीटर में आ रही है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर में आ रही है तो मीटर का स्क्वायर, और किलोमीटर में आ रही है तो किलोमीटर का स्क्वायर, इस तरीके से हमें यूज़ करनी है। क्यूब में आ रही हूँ तो यूनिट के ऊपर क्यूब लग जाएंगे। इतना सभी का क्लियर है। इसके बाद एक चीज़ आती है यहाँ पर इसका डायगोनल, क्या आता है डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है, तो भाई देखो कोई भी शेप, जैसे कि अब मैं इसमें जो लिखी हुई चीज़ें सबको मिटा रहा हूँ थोड़े थोड़ा करके, इनकी अब हमें कोई खास ज़रूरत है नहीं, जो हमें काम करना था वो कर लिया इनकी हेल्प से। अब ओनली आप इसको देखिए,
ये, तो कोई लॉन्गेस्ट पोल आपको रूम में रखना है तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर रखा जा सकता है या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पर, किसी भी कॉर्नर पर। तो एक कॉर्नर से ऊपर वाले से नीचे वाले कॉर्नर की जो लेंथ होती है वही डायगोनल की तरह काम करती है। और इसका जो फॉर्मूला होता है डायगोनल का वो क्या होता है, अंडर रूट में एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे हमें क्यूब की अगर कोई भी जरूरत पड़ती है तो इतने की जरूरत पड़ेगी, इससे ज़्यादा हमें क्यूब में कोई जरूरत पड़ने वाली हो भी नहीं। अब यहाँ से आगे क्यूबॉइड के आगे आप देखेंगे क्यूब, क्या देखेंगे क्यूब। क्यूब क्या होता है, देखो क्यूब कुछ भी नहीं है, क्यूब एक क्यूबॉइड ही होता है, बस इन जनरल ये होता है उसकी सारी डायमेंशंस सेम होती हैं। कैसे होती हैं, सेम होती हैं, तो मतलब क्यूब होने से पहले वो क्यूबॉइड ही होता है, यही फॉर्मूले होते हैं। आप इसकी सारी डायमेंशंस कैसे कर दोगे, सेम कर दोगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल में ये बनाया स्क्वेयर, बस उसमें रेक्टेंगल होते हैं, इसमें स्क्वेयर होता है, तो सबको पता है स्क्वेयर की ऑल साइड्स कैसी होती हैं। ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, मतलब लेंथ भी ए होगी, ब्रेथ भी ए होगी और हाइट भी क्या होगी, ए होगी। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाई दे रहा हूँ, एल एस ए। एल एस ए की बात करें तो इसका एल एस ए होता है 4a स्क्वेयर। इसके लिए टी एस ए की बात करें तो टी एस ए होता है 6a स्क्वेयर। और इसके लिए वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम होता है मेरा यहाँ पे ए का क्यूब। और डायगोनल की बात करें तो ए रूट 3। ये आपका क्यूबॉइड था, ये आपका क्यूब था। अब इसके बाद दो शेप और हैं, हम उनको पढ़ेंगे। कौन कौन सी शेप हैं देखेंगे सारे बच्चे। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे, इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं तो हम पढ़ेंगे सिलेंडर। क्या पढ़ेंगे, सिलेंडर। देखिए भाई सारे बच्चे, और अगर कोई बच्चा एनटीएससी ओलंपियाड या इस तरह की किसी भी तरह की प्रिपरेशन करता है तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके वहाँ पर इस तरह के नोट्स ले सकता है। और क्लासेस लेना चाहे तो कांटेक्ट में आके सीधा कोचिंग से डायरेक्ट ऑफलाइन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है हमारे यहाँ से। तो देखिए भाई आपका नेक्स्ट टॉपिक है, वो टॉपिक है सिलेंडर। सारे बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर जो सारे बच्चे गलती करते हैं वो सबसे कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए। देखो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स ऐसी होती हैं। सिलेंडर की शेप सारे बच्चों को पता है, सबने देखा होगा, अगर नहीं देखा हो तो मैं बता दे रहा हूँ। पाइप अगर किसी बच्चे ने देखा हो तो पाइप की शेप और सिलेंडर की शेप एक ही शेप होती है। इस तरीके से इसकी जो शेप होती है वो ये वाली होती है। अब देखिए इसमें कितनी चीज़ें होती हैं, इसमें एक तो इसका बेस होता है, क्या होता है, बेस। ठीक है, उससे पहले हम बात कर लेते हैं ये इसके लिए रेडियस है, क्या है, रेडियस। और इन जनरल मैंने इसको आर लेट किया है, ठीक है। और ये इसके लिए हाइट है, जो सिलेंडर की हाइट है, तो हम इसको सिलेंडर से बाहर ही बना लेते हैं, एच। ठीक है, क्या है ये सिलेंडर की हाइट, और इसको मैंने एच लेट किया है। तो थोड़ी देर के लिए सारे बच्चे देखें इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, देखो अभी हमने जो शेप पढ़ी थी उसमें एल एस ए एक वर्ड आ रहा था, लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, वो क्यूब कीवर्ड में यूज होता है, लेकिन जब हम सिलेंडर पढ़ते हैं सिलेंडर कर्व होता है। कर्व सारे बच्चे जानते हैं, कर्व क्या होता है, कर्व इस तरह का ढलान होता है एक तरीके से। यहाँ पर कोई एक तरह से एज नहीं होता, ठीक है, कोई एज नहीं होता, तो उसमें क्या है, अब इस तरह की जो शेप होती है उसका जो एरिया होता है उसको हम बोलते हैं सी एस ए, कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं उसको हम, कर्व सरफेस एरिया। और वो इस तरीके से, अब ये वाला, ये वाली तो शेप इसमें कर्व की होगी, इसका जो एरिया होगा ये, इसमें कितने एरिया होंगे ये देखेंगे सारे बच्चे। और वॉल्यूम तो डायरेक्ट आपको इसका याद करना है, वॉल्यूम में कुछ ऐसा है नहीं, ये समझने की सारे बच्चे कोशिश करेंगे। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि सिलेंडर में ये वाला ऊपर से इसका एरिया है। अब ये एरिया कौन सा होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr, सबको पता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब इसमें है क्या, सर्कल को सिलेंडर कुछ थोड़ी ना होता है, एक के ऊपर एक सर्कल रखते हो, तो जितनी इसकी हाइट बन गई उतनी इसकी है, तो ये कितना हो गया इंटू एच, कितना हो गया इसका सी एस ए, 2πrh। अब इसके अलावा क्या आता है इसमें, देखो सारे बच्चे, ये इसका क्या है नीचे, बेस, क्या है, बेस। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से ऊपर लाइनिंग की है, ये इसका बेस है, और ये
देखो मैं अलग अलग समझा रहा हूँ आपको, चाहो तो मैं डायरेक्टली भी लगा सकता था, पर आपको डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही याद होनी चाहिए, क्योंकि इनमें से कभी कभी क्या होता है कि उसने यहाँ से इसको खुला रखा है ऊपर से, अब आप इसका बताइए, या इसने इसके ऊपर कुछ और बना दिया लाके, तो हमें इस वाले बेस का एरिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जैसे जैसे हमें जिसकी ज़रूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है, इसमें आपको रिक्वायर्ड फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। देखिए भाई, यहाँ पर जो इसका एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, इसके जो बेस का एरिया होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ऊपर वाले जो बेस का एरिया होगा वो क्या होगा, सेम होगा जैसे कि नीचे का नीचे ये रेडियस, क्योंकि ये सारा कैसा होता है, सर्कल जैसा होता है, अगर आप इसको देखोगे तो कैसे दिखेगा, सर्कल जैसा दिखेगा, तो यहाँ का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और यहाँ का कितना है पाई आर स्क्वायर, दोनों सेम है। अब हम इसके फॉर्मूले लिखने के प्रैक्टिस करेंगे, तो देखो भाई इसका जो फॉर्मूले बन के आ रहे हैं, सबसे पहले सी एस ए का मतलब कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πRH, क्या होता है 2πRH, ठीक है, सारे बच्चे समझ गए, इस वाले एरिया की बात हो रही है, यहां से जो ऐसे करके जो एरिया है इसका, ठीक है ये वाला। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे इसका TS, TS मतलब टोटल सरफेस एरिया, एक बात याद रखना, मैं यहाँ पर TS लिखा रहा हूँ, कल मैं क्वेश्चन में लिखाऊँ तो मैं ओनली कितना यूज़ करूँ मैं अभी बताता हूँ, कि जैसे मैंने क्वेश्चन में जो इतना यूज़ कर दिया तो आप पता चले कि नहीं सर ने वहाँ पर तो ये लिखाया था, यहाँ पर बात से बदल गई, ऐसा मत कर लेना भाई, जैसे कि हम जो करा रहे हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो 2πRH इसका हो गया, अभी क्या है पाई आर स्क्वायर नीचे वाले बेस का एरिया, अब पर यहाँ पर तो सेप किसी के साथ मिक्स है ही नहीं, तो मुझे ऊपर का भी तो चाहिए, तो ये और ये कितना है सेम है, जब सेम होता है और दो बार ऐड हो रहा होता है तो हम डायरेक्ट उसको क्या कर देते हैं, ट्वाइस कर देते हैं, क्या कर देते हैं डायरेक्ट ट्वाइस कर देते हैं, 2πRH प्लस पाई आर स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया इसका था टोटल। अब जो इसमें कॉमन आ रहा है इसको कॉमन ले लो, देखो 2 तो मुझे भी दिख रहा है और पाई भी दिख रहा है और आर दिख रहा है, तो यहाँ से मेरा कितना रह जाएगा एच और यहाँ से कितना रह जाएगा आर। इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो होगा इसका वॉल्यूम, क्या होगा इसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम क्या होता है तो सारे बच्चे सुनेंगे, वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया कि यूनिफॉर्म बेस है इसका, यूनिफॉर्म बेस है तो सीधा हाइट से मल्टीप्लाई कर दो वही इसका वॉल्यूम बन जाएगा। अब इसका यूनिफॉर्म बेस है मतलब, यूनिफॉर्म बेस का मतलब सबका क्लियर है क्या है, कि बेस इसका बिल्कुल एज इट इज सेम रहेगा, जो बेस की यहाँ पे एरिया निकल के आ रही है और इसको मैं बीच में से काट दूँ तो उस बेस का एरिया यहाँ से भी हर जगह से सेम होगा, और जब इस तरीके का यूनिफॉर्म एरिया बनता है तो सीधा आप उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसका क्या निकल आता है वॉल्यूम। तो इसका यूनिफॉर्म एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर और द सेप मल्टीप्लाइड बाय हाइट, कितना निकला पाई आर स्क्वायर एच। तो ये इसमें हमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, मैं एक बार दोबारा से आपको रिमाइंड कराता हूँ, सी एस ए कर्व सरफेस एरिया 2πRH, टी एस ए 2πRH प्लस 2πR2। सारे बच्चे इसको ऐसे ही याद करेंगे, कोई ये नहीं 2πR और H प्लस R, क्यों क्वेश्चन में मैं इनको यूज़ करूँगा। उसके बाद वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तीन चीज़ें हो गई। इसके बाद जो आप नेक्स्ट शेप पढ़ोगे वो है हॉलो सिलेंडर, कौन सी शेप है इसको समझने की अच्छी तरीके से कोशिश करना, हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है ये देखेंगे सारे बच्चे, ये सिलेंडर एक सीट से बना होता है या सॉलिड बना होता है पूरा का पूरा, ये से यहाँ पे क्या है कि ये एक प्लेट से बना होता है, प्लेट तो जानते हो ऐसे जिसमें कोई थिकनेस होती है, अब ये प्लेट से बना है, ठीक है, इसके ऊपर एक और बना लो आप ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके का जो शेप है इसका, यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है इस वाली शेप में, जो बच्चे इस शेप में इस तरह की मिस्टेक करते हैं वो करते हैं सरफेस एरिया में, इसका सरफेस एरिया निकालना ही अपने आप में टेढ़ी हील है, क्यों है, क्योंकि आप लोगों के इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, आप शुरू से एक ही पढ़ते आ रहे हैं, आप देखेंगे भाई जब आप इसको ऊपर से देखोगे ना तो इस तरीके से दिखाई देता है, और ये वाला पार्ट कवर्ड रहता है ऐसे, आपको ये दिखाई देता है, ठीक है, मतलब ऊपर से अगर मैं इसमें देखना शुरू करूं तो यहां पर होल दिखाई देता है और ये इतनी मोटी एक प्लेट दिखाई देती है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, अब क्या होगी कैसे होगी वो हम अभी पढ़ेंगे। अब सुनो भाई, यहां पे एक
छोटे वाले सिलेंडर की रेडियस है वो स्मॉल आर है, और इस वाले की जो रेडियस है सेंटर दोनों के जो वो है कैपिटल आर, और हाइट दोनों की सेम रहेगी। हाइट कैसी रहेगी? सेम रहेगी। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके ऊपर, वो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं इसका वॉल्यूम। क्यों? क्योंकि इसके जो नीचे के सेम है सी एस ए और टी एस ए, यही दिक्कत खड़ी करते हैं। तो वॉल्यूम इसका कोई आसान नहीं है। वॉल्यूम में भी दो पार्ट हैं, एक तो वॉल्यूम है इसके रिगार्डिंग जो मैं वॉल्यूम बता रहा हूँ उसमें मैं आपको दो पार्ट बता रहा हूँ। देखो भाई सारे बच्चे, वॉल्यूम दो पार्ट, एक होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी, और दूसरा होता है वॉल्यूम ऑफ मैटर। दोनों में डिफरेंस क्या है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। कैपेसिटी, कैपेसिटी वर्ड का इन जनरल सिर्फ एक ही मतलब है कि वो अपने अंदर कितना मटेरियल कंटेन कर सकता है। जैसे कि ये है, इस तरह की शेप है, अब इसमें कितना वाटर कंटेन कर सकते हो आप, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, कुछ भी, या कितना मिल्क या कोई भी लिक्विड या कोई भी सॉलिड चीज़ इसमें कितनी कंटेन हो सकती है, तो वो इस शेप के अंदर आएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटी। अब दूसरी बात है वॉल्यूम ऑफ मेटल, या वॉल्यूम ऑफ मेटल की जब वो वेसल भी लिख सकता है, ये इस तरह कोई वेसल है तो वो भी लिख सकता है वॉल्यूम ऑफ वेसल। तो उस केस में आपको पता है क्या बताना है, इसकी बात करनी है, हो सकता है वो प्लेट की बात कर रहा है, ठीक है, वैसे क्लियर लिख के आता है वॉल्यूम ऑफ मेटल। तो ये जो इसमें जो प्लेट लगी हुई है या जिस प्लेट से ये बना हुआ है जिसमें कोई थिकनेस है, उस मेटल का वॉल्यूम कितना है? तो सुनो भाई, वॉल्यूम का जो मेटल है, वॉल्यूम ऑफ मेटल इसको निकालेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ जो मेटल हम निकाल रहे हैं उस पर क्या होगा, तो आप पूरे का वॉल्यूम निकालोगे पूरे वाले सिलेंडर, तो किसका निकलेगा? कैपिटल आर वाले का, और उसमें से इनर वाले का क्या हो जाएगा? माइनस। तो पहले मैं कैपेसिटी निकाल लूँ, और कैपेसिटी में क्या है कि अंदर वाला ही सिलेंडर यूज़ हो रहा है, बाहर वाले से मतलब नहीं हो, आप इसकी ब्रेथ इतनी कर दो और ज़्यादा कर दो उसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर की चेंज नहीं हो रही ना। जब अंदर की चेंज नहीं हो रही तो हम किसका वॉल्यूम निकालेंगे? अंदर वाले का। तो कैपेसिटी में क्या आएगा? कैपेसिटी, कैपेसिटी में जो आएगा मेरा वो आएगा पाई आर स्क्वेयर एच, बस कितना है? सेम है जो आपने ऊपर सिलेंडर पढ़ाई के, पाई आर स्क्वेयर एच। अब इसके बाद वॉल्यूम ऑफ मेटल, तो वॉल्यूम ऑफ मेटल में हम क्या करने जा रहे हैं देखें सारे बच्चे, वॉल्यूम ऑफ मेटल में जो हम करने जा रहे हैं पूरा सिलेंडर, इसमें से अंदर वाला सिलेंडर क्या करना है? माइनस करना है। तो वॉल्यूम ऑफ मेटल में जो आ जाएगा वो क्या आएगा? पाई आर स्क्वेयर एच। अभी ये पूरे का निकला है जिसमें ये अंदर वाला भी निकल के आ रहा है, मतलब ये पूरा ऐसे निकल के आ रहा है जैसे इसका निकला था। अब इसमें से मैं अंदर वाले को माइनस कर दूं तो ये थिकनेस है ना, जैसे कि ये थिकनेस दिख रही है, इसी इसका निकलेगा, पूरे का निकाल के अंदर क्या करना है? माइनस करना है, पाई आर स्क्वेयर एच, ये वाला वॉल्यूम का फॉर्मूला है। इसके बाद सारे बच्चे देखेंगे सी एस ए, जैसे जैसे मैं शेप का बता रहा हूँ आपको, शेप सी एस ए का समझ आ गया, कर्व सरफेस एरिया। अब देखो कर्व सरफेस एरिया, ये ऊपर से भी तो ऐसा है पूरा इसका निकलेगा, तो इसका ऊपर से क्या होगा? 2 पाई आर एच। यहाँ पर देखो कितनी अच्छी गलती करते हो आप, और आपको लगता है कि आप क्वेश्चन सही कर रहे हो। तो इसका जो ऊपर वाले पार्ट का जो होता है सी एस ए, वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है, पर अंदर बाहर की रेडियस है कैपिटल आर, तो आप यहाँ पे कैपिटल आर लोगे, क्या होता है 2 पाई आर एच। ये कहाँ का निकला है? अभी ऊपर का निकला है पूरा निकालने के लिए। अब एक बात, ये तो आपको निकालना ही निकालना, इसके साथ अंदर वाला भी तो चाहिए, या ऐसा तो नहीं करोगे कि अंदर वाले का नहीं निकाले? अंदर ये सिलेंडर है छोटा वाला, इसके साइड्स का ये भी तो चाहिए मुझे। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं कि जल्दबाजी में इसे निकाल के इसमें से माइनस कर देते, क्यों कर देते हो भाई? आपको ऊपर का भी चाहिए और अंदर का भी चाहिए, और जब आपको दोनों चाहिए तो वॉल्यूम किसका निकलेगा? दोनों का निकलेगा, सॉरी सी एस ए किसका निकलेगा? दोनों का निकलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, उसका भी चाहिए और उसका भी चाहिए, मतलब बाहर से भी चाहिए और अंदर से, दोनों ही चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि अंदर वाले की जरूरत नहीं, दोनों की जरूरत होती है। अब जब दोनों चीज़ों की जरूरत है तो दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और अंदर वाले का कितना होगा? 2 पाई आर एच। क्या होगा अंदर वाले का? 2 पाई आर एच। देखिए भाई सी एस ए, तो 2 पाई आर एच, इसके साथ आपको यहां पे ये क्या करना है? प्लस करना है, माइनस मत कर देना। क्या करना है? प्लस करना है। देखो कॉमन वॉमन लेने वाली तो आसान बात होती है, उसे कोई भी कर सकता है, पर ये आपको क्या करना है? प्लस करना है। अगर आपने इसको माइनस किया तो यहां पे आप गलत कर जाएंगे,
और जो इसमें वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया वाले चैप्टर में सबसे ज्यादा गलती होती है वो यहाँ पर होती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट सरफेस एरिया निकालने के लिए इसको माइनस कर देते हैं, क्योंकि वो इस दिमाग में इसको बिठा चुके होते हैं, इस वाली बात को। कौन सी वाली बात को? इस वाली को, कि जब वॉल्यूम ऑफ मेटल का निकालते हैं तो एक्सटर्नल वॉल्यूम निकाल, इंटरनल वॉल्यूम दोनों को माइनस कर दो। तो ये वाली बात आपके दिमाग से निकलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो इतनी सी प्लेट का चाहिए, ये हम इसमें से खत्म कर रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें बाहर की भी जरूरत है और जो अंदर वाला है उसकी भी तो जरूरत है। अगर मैं कह दूँ इसी में पेंट करना है आपको, अंदर भी पेंट करोगे और बाहर भी करोगे, भाई इधर तो करोगे ही करोगे, अंदर भी करोगे, तो वो दोनों कितने हो जाएंगे? प्लस होंगे। ये गलती आपको नहीं करनी है। नेक्स्ट, इसके बाद मैं इस, ये बिल्कुल ऐसी प्लेट जैसा दिख रहा है ना, इसकी जो ऊपर की प्लेट है, अब मैं इसमें क्या निकालना चाह रहा हूँ, मैं इसका टी एस निकालना चाह रहा हूँ। देखो मेरे ये सारे वॉल्यूम सरफेस एरिया हर एक पार्ट का छोटा छोटा भले ही फॉर्मूला बन रहा है, पर मैंने आपको एक एक पार्ट का बताया और आपको एक एक पार्ट का ही देखना है। देखें यहाँ पे, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहाँ से एरिया रिलेटिव टू सर्कल, वहाँ पे आप सर्कल ऑफ पाथ पढ़ के आए हैं, तो आप क्या करते हो, एक्सटर्नल सर्कल का एरिया निकालोगे, फिर इंटरनल का उसमें से क्या कर दोगे, माइनस। जैसे ही आप पूरे का निकाल के इस वाले को माइनस कर दो, कैपिटल आर यूज करो तो कौन सा निकलेगा, पूरा, मतलब पाई आर स्क्वायर कैपिटल, और अंदर वाले का कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, और ये इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस। माइनस का मतलब हमें कितना चाहिए, इतना पूरा चाहिए ही नहीं, अब की बार हमें सिर्फ ओनली इतना चाहिए, और उसके इसमें पाई आर से क्या निकल रहा था, पूरा, और स्मॉल पाई आर से ये निकला था, और इसको हमने क्या कर दिया, इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि हमें ये चाहिए नहीं, हमें इतना ही चाहिए। और इसका एरिया कितना होगा, पूरा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर ये। अब दिक्कत की बात यह है कि यही इतना नीचे होगा, उतना ही कहाँ होगा, ऊपर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, देखो मैं आपको अभी दूसरी बात बताने वाला हूँ, उस पर बहुत ध्यान देना है, कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और जितना नीचे का है उतना ही ऊपर का, तो टोटल सरफेस एरिया में सी एस ए तो पूरा ही आएगा, प्लस अब क्या आएगा, नीचे ट्वाइस पाई आर स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर। और मैं तो अपने जितने भी टीचर्स बच्चों को ये चैप्टर पढ़ाते हैं उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को एक एक पार्ट का फॉर्मूला बताया जाए, ना कि पूरे का। आप बच्चे के दिमाग में अगर कोई शेप क्लियर होती है और उसका एक एक पार्ट क्लियर होता है तो किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आती। और सबसे ज़रूरी बात, कोई भी स्टूडेंट्स वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में या मेंसुरेशन का कोई भी पार्ट पढ़ता है उसकी कैलकुलेशन बिल्कुल एंड में ले जाएगा। जब लास्ट में आंसर लिख रहे हैं उससे पहले आप चीज़ों को कैलकुलेट करोगे, उससे पहले आप कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल लास्ट में जाके आपको कैलकुलेट करनी है। इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें भाई। हाँ सुनिए बेटा, इतना क्लियर होता है, हमने ये पढ़ा। मैंने आपसे अभी एक छोटी सी बात बताई थी, है ना, सुनना, मैंने क्या बोला था कि इसका भी तो मैंने वॉल्यूम पहले लिख दिया मेटल का, इसका क्यों नहीं लिखा, मुझे ओनली मेटल का चाहिए, तो मैं मेटल वाले पार्ट का यूनिफॉर्म एरिया ही रहेगा, जो मेटल की थिकनेस यहाँ पर रहेगी इस तरह की प्लेट, वो हर पल बढ़ती जाएगी उतनी रहेगी। तो उस केस में जो उसका क्या है, बेस का एरिया, उसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाइट से। तो आप यहाँ से एच कॉमन ले लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो h कॉमन लेने के बाद ही लिखूंगा मैं पाई आर स्क्वेयर माइनस के पाई आर स्क्वेयर। देख लो भाई, h को हमने कॉमन लिया और पाई आर स्क्वेयर माइनस के पाई आर स्क्वेयर, ये वाला। अब यही तो एरिया था इसके बेस का जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, और जब किसी भी शेप का यूनिफॉर्म एरिया होता है तो उसमें उसकी हाइट से मल्टीप्लाई करते क्या निकल आता है, उसका वॉल्यूम। इतना फॉर्मूला आता है, फिर उसके बाद एक छोटी सी चीज़ रह जाती है, कोन और स्फीयर और हेमी स्फीयर। हाँ नेक्स्ट देखें सारे बच्चे, भाई इस बीच में ये मान लीजिए मैं आपका ये पूरा क्विक रिवीजन कराऊंगा, मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इन्हीं वीडियोस में से आएंगे, तो कोई भी बच्चा किसी भी वीडियो को मिस ना करे। यहाँ तक कि कुछ क्वेश्चंस के तो डिजिट तक सेम आएंगे, देखें भाई नेक्स्ट। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कौन, देखो भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत थी हॉलोज में, अब कोन में ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं खास, वैसे तो फॉर्मूले आप लोग पढ़ के ही आए हो, पर मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिवाइज करा ही दूँ, है ना, छोटी क्लास में ना सारे बच्चे इन चीज़ों को पढ़ के आते हैं। यहाँ पे ये होता है कोन, ठीक है, कोन में एक बात याद रखना, दो हाइटें होती हैं, कितनी हाइटें होती हैं, दो, एक हाइट होती है ये वाली एच, ठीक है, डायरेक्ट सीधे सीधे हाइट होती है,
फिर होती है रेडियस, क्या होती है? आर। एक चीज और होती है, ये वाली हाइट, ये भी इसमें जरूरी है भाई, ये इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट? स्लैंट हाइट। ठीक है, तीन चीजें होती हैं। तो सबसे पहले क्या रिलेशन है, देखो ये यहाँ पे आपको बिल्कुल पाइथागोरस जैसा दिख रहा है, ये दो साइड्स हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, और ये अदर साइड्स है, जैसे हम हाइपोटेनियस बोलते हैं 90 के सामने। तो इनमें क्या रिलेशन होता है, तो सारे बच्चे एल स्क्वेयर इक्वल्स टू होता है मेरा एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर। कोई भी दो आपको गिविन होंगी, किसी उन दो को रख के आप कोई भी थर्ड साइड्स निकाल सकते हो। सकता है एल एच हो, आपको आर निकालना हो, या कोई केस ऐसा होता है एच आर हो, एल निकालना पड़े। ठीक है, पुट इन पाइथागोरस फॉर्म एंड कैलकुलेट। अब आगे आप लोग देखिए इसमें क्या निकल के आता है। ठीक है, अब सुनो, मैं इसमें वही तीन चीज़ें बता रहा हूँ। सी एस ए का मतलब तो सारे बच्चे क्लियर समझ ही गए हैं। सी एस ए का मतलब होता है जो उसकी कप शेप है, और कप शेप कहाँ पर होती है? ये वाले। अगर किसी बच्चों को डाउट आ रहा होगा कोन क्या होता है, तो भाई कोन वाली आइसक्रीम सबने देखी है, उसकी जो शेप है वही कोन की शेप है। और आपने उसमें सेंटा क्लॉस में जो उसकी कैप होती है, उसकी भी शेप यही होती है। तो इस तरह की जो शेप होती है उसे हम कोन बोलते हैं। अब कोन में क्या है देखिए, मैं इसमें नाम भी लिखे दे रहा हूँ, कोन। इसका जो सी एस ए होता है वो होता है पाई आर एल, और एल की सिर्फ इसी के लिए ज़रूरत पड़ती है और इसमें किसी शेप में आता नहीं। तो एल आपको यहाँ से ऐसे निकालना है। कैसे निकालना है? एच और आर को इसमें रख दो, ये निकल आएगा, और बाकी रूट तो हर बच्चे पर लेना आता ही है। अब इसके बाद आता है टी एस ए। क्या आता है? टी एस ए। टी एस ए के लिए आपको क्या करना है, देखो भाई, टी एस ए, तो टी एस ए का मतलब ये इसके बेस का एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। कितना एरिया है इसके बेस का? पाई आर स्क्वायर। और सी एस ए मतलब ये वाला एरिया, ये इसकी इस वाली शेप का एरिया कितना है? पाई आर एल। तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। और मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपको इसको करने से पहले इसमें कॉमन लेके ही कैलकुलेट करना है। और इसके बाद जो इसका आता है वो आता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम आसान है, ये मान लो सिलेंडर का 1/3, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये इसका क्या होगा? वॉल्यूम होगा। अब यहाँ से आगे की जो आपकी शेप है वो है स्फीयर। क्या होगा? स्फीयर। इस तरह की जो शेप होती है, एक बात याद रखना, तो एक दो शेप होती है, स्फीयर और आपका सर्कल। तो मैं आपको बता दूं कि आपने कोई भी टायर देखा हो, टायर तो इन जनरल सबने देखा होगा, साइकिल में ही होता है, तो उस तरह की जो शेप है उसे हम क्या बोलते हैं वहाँ पे? सर्कल। और स्फीयर फिर कैसे बोलते हैं? तो आपने सबने फुटबॉल देखा है, फुटबॉल की जो शेप होती है उसे बोलते हैं स्फीयर। ठीक है, तो कभी कोई बच्चा इसमें कन्फ्यूज़ ना हो, स्फीयर में और सर्कल में मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब आगे आप देखिए, सेम इसमें भाई, इसमें सी एस ए। अब इसकी सारी साइड कैसी होती है? कप की फॉर्म में होती है। तो इसमें टी एस ए, दोनों सेम होते हैं, और फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, 4πr2। क्या फॉर्मूला होता है? 4πr2। इसके अलावा इस सी एस ए हो गया मेरा, टी एस ए हो गया, अब आ गया वॉल्यूम। क्या आ गया? वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? तो याद रखना 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर के वॉल्यूम के बाद आता है हेमी स्फीयर। क्या आता है? हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का मतलब कुछ नहीं होता, इसको एकदम बीच में से काट के दो पार्ट कर दो, तो सारे बच्चे जब इसको देखेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ये मान लो किसी स्टूडेंट को गुस्सा आया और उसने बीच में से फुटबॉल काट दी। ठीक है, अब इसमें क्या है देखो, ठीक है, जो पार्ट इसका था, पर इसमें भी एक पार्ट एक्स्ट्रा हो गया। जैसे आपने इसको बीच में से काटा तो ये भी तो दिखाई देगा, ये बिल्कुल सर्कल जैसा दिखाई देगा ये वाला। ठीक, अब इसमें आपको दो पार्ट हमेशा दिखाई दे रहे हैं, तो दोनों में एरिया, पर इसमें सी एस ए वाला होता है, ये वाला तो होता है कर्व, ये होता है बिल्कुल प्लेन एरिया,
तो इसका तो होता है बेस का पाई आर स्क्वेयर, कितना होता है पाई आर स्क्वेयर, और इसका क्या होता है आपका, अब पूरे का कितना था फोर आई आर, फोर पाई आर स्क्वेयर, बीच में से काट दिया तो हाफ हो जाएगा, तो हाफ हाफ कितना होगा टू पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, देखिए सारे बच्चे इसका जो निकल के आया सी एस ए, सी एस ए, ठीक है, सी एस ए कितना होता है टू पाई आर स्क्वेयर, कितना होता है इसका सी एस ए टू पाई आर स्क्वेयर। इसके बाद आता है टी एस ए, कितना क्या आता है टी एस ए, टी एस ए क्या होता है टू पाई आर स्क्वेयर, ये रहा और इसमें एक पाई आर स्क्वेयर ऐड कर दिया, तो ये होता है थ्री पाई आर स्क्वेयर, क्या होता है थ्री पाई आर स्क्वेयर। नेक्स्ट इसके बाद अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं वॉल्यूम, हम किसकी बात करेंगे वॉल्यूम। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी सेप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड की जाए तो जो डिवाइड होकर जितनी सेप आई हों उन सब का और आपकी जो सेप है जिसमें से आपने उन सबको डिवाइड करके बनाया है उन दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, क्या रहेगा सेम रहेगा। तो सुनो भाई वॉल्यूम इसका क्या होगा, दो सेप में डिवाइड हो रहा है तो हाफ हो गया और कितना था उसको फोर अपॉन थ्री पाई आर क्यूब, टू से टू डिवाइड हुआ तो ये आ गया टू अपॉन थ्री पाई आर क्यूब। आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस में इसका यूज़ होता है। और मैं आपको दूसरी बात बताऊं कि आपका इस बार का जो क्वेश्चंस आने वाला है उसमें जहाँ तक मेरा जो प्रेडिक्शन कहता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांस है, इसका यूज़ होगा मोस्ट ऑफ क्वेश्चन, और इस बार जो आएगा उसमें कुछ का इसके यूज़ होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। अब ध्यान से सुनिए सारे बच्चे, मैंने आपका जो एक क्विक रिवीजन स्टार्ट किया है उसमें मैंने आज आपके ओनली फॉर्मूले समझाए हैं, अगर आपके समझ में आया हो तो ठीक है, अगर ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट में प्रॉब्लम्स के लिए मैसेज कर सकते हैं या उसमें कोई कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आप उसको कल क्लास स्टार्ट करने से पहले उसी टॉपिक को डिस्कस करूँगा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना, बाकी यहाँ से आगे क्लासेस हम कल स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कल क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और कल की क्लास के लिए आप सारे बच्चे इन फॉर्मूलों को लर्न कर लें।